वेलकम मेरे क्रेडिट कार्ड होल्डरों, मैं हूँ कैलाश। आज मैं आपके लिए वन कार्ड जो क्रेडिट कार्ड आता है उसका जो है अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। आपका सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्ड एक्सपर्ट में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो है मैंने जब वन कार्ड का जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो उसमें ना तो मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ा, कोई जो है केवाईसी के लिए कोई डोर स्टेप पे आया, डायरेक्ट जो है कैसे मुझे जो है 1.5 लाख का जो है अप्रूवल क्रेडिट लिमिट जो है मिल गई, उसके बारे में अपन इस वीडियो में जो है प्रोसेस टू प्रोसेस जो है बात करेंगे, और जो है कैसे मैंने जो है ऑनलाइन अप्लाई किया उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कैसे मैं जो है स्टेप टू स्टेप जो है इस वीडियो में कार्ड को जो है अप्लाई करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो है समझ में आ सके कि कहाँ पे जो है अपन को अच्छे से जो है डॉक्यूमेंट मेंशन करना है, ओटीपी कहाँ डालना है और स्टेप बाय स्टेप जो है अपन को जो है कैसे वन कार्ड को जो है अप्लाई करना है और कैसे जो है लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 1.5 लाख रुपये जो है मुझे जो है क्रेडिट कार्ड जो है लिमिट मिला इस कार्ड के द्वारा। तो चलिए उसके बाद में जो है आपको जो है अपना जो कार्ड जो है वो कैसे जो है अपने होम एड्रेस पे मंगवाना है वो भी अपन इस वीडियो में आगे जाके बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अप्लाई का प्रोसेस अपने मोबाइल से। सबसे पहले जो है आपको जो है वन कार्ड लिख के जो है गूगल क्रोम पे खोलना है, वहाँ पे सीधा जो है वन कार्ड अप्लाई का जो है सिंबल आ रहा है उस पर जो है क्लिक करना है। जब जो है आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपके पास जो है इंटरफेस खुलेगा वो जो है आपके जो है मोबाइल नंबर का जो है खुलेगा, मतलब आपको जो है सबसे पहले आपका जो है मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आप जो है ओटीपी चाहते हैं और जिस पे जो है सारा ब्यूरो और सारा जो है ओटीपी मैसेज और सारा जो है उससे जो है अटैचमेंट हो उस क्रेडिट कार्ड से। उस मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको डालना है और टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको जो है क्लिक करना है। OTP डालने के बाद में जो है आप जैसे ही जो है आप जो है OTP आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाला उस पर आया है वो आप जो है डालेंगे, उसके बाद में जो है एक मेल ID जो है डालने के लिए आगे जो है इंटरफेस खुलेगा। आपको वही मेल ID डालना है जिस पे जो है आप इस क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट चाहते हैं और जो है वो ईमेल आईडी आपके लिए जो है सेफ हो और जो है ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप उस ईमेल आईडी से जो है करते हैं। उसके बाद में जो है आपके जो है ये पैन नंबर पूछेगा, आपके जो है पैन नंबर इसमें डालना है और जो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें डालना है, डे मंथ और ईयर के हिसाब से उसमें जो है आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैं जो है अभी जो है डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में एक जो है एड्रेस का इंटरफेस खुल जाएगा, उसमें जो है एक तो लोकेशन का दे रखा है कि आप जो है ऑटोमेटिक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन, या जो है वन कार्ड जो है ऑटोमेटिक आपकी जो है लोकेशन फाइंड कर सकते हैं और आपकी जो है लोकेशन की जो है क्वालिटी क्या है, क्योंकि ये जो वन कार्ड है ये जो है सिटी है वहीं पे जो है अवेलेबल है। देखिए इसमें एड्रेस की क्वालिटी दिखा रहा है लो एड्रेस, तो इसमें आप लोकेट करेंगे ना तब आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा कि मीडियम लोकेशन की क्वालिटी है, हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी है। तो ऐसा अगर आपको नहीं करना है तो आप खुद ही जो है आपका जो है सिटी का पिन कोड डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, हाउस नंबर डाल सकते हैं, लैंडमार्क डाल के जो है सबमिट कर सकते हैं, उससे भी जो है आपका काम हो जाएगा। मैं जो है अभी खुद ही मैनुअली जो है अपना जो है एड्रेस डालूंगा, पूरा पिन कोड जो है फ्लैट नंबर रोड लैंडमार्क पूरा जो डाल के जो है कन्फर्म जो है करके आगे जो है प्रोसेस करूँगा। अभी जो है मैंने पूरा जो है प्रोसेस कर दिया है। अभी जो है फेचिंग सिविल रिपोर्ट जो मैंने पैन कार्ड डाला था उसका जो सिविल रिपोर्ट निकलेगा, सिविल रिपोर्ट जो है उसके जो है ओटीपी जो है मेरे मोबाइल नंबर पे आएंगे जो मेरे जो है आधार कार्ड से जो है मोबाइल नंबर कनेक्ट है, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है तो वहाँ से जो है मोबाइल नंबर जो है उन पे जो है एक ओटीपी आएगा, एंटर सिविल ओटीपी। सिविल ओटीपी जो है उस मोबाइल नंबर पे जो मेरे जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक है वहाँ पे जो है सिविल ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी डालने के बाद में आपके पास जो है सिविल ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका जो सिविल स्कोर उनको जो है ऑटोमेटिक जो है ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा और जो आगे जाके जो है लिखा हुआ आगे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन यू वन कार्ड एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव, वी हैव सेंड द मोबाइल नंबर, वी हैव सेंड मोबाइल ऐप लिंक ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर जो है एक मैसेज आएगा, वो मैसेज मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा।
वो जो है वन कार्ड एप्लीकेशन का लिंक है, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है यूरो प्रो क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट जो है 1.5 लाख जो है मुझे सीधा सीधा देखने को मिल जाता है। नो एनुअल चार्ज है इसमें, ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस है। 5 पैक जो है इसमें रिवॉर्ड पॉइंट है। ईएमआई का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और भी जो है इसमें जो है क्या क्या जो है बेनिफिट है वो जो है अभी आगे जाके दिखा रहा है। ये जो है एक मेटल का कार्ड आएगा, देखिए मेटल लिखा हुआ है इसने, मेटल कार्ड और गेट लिंक लिखा हुआ है। ठीक है, अभी एक्साइटिंग जो है ऑफर दे रखे हैं, क्या क्या जो है इस कार्ड को आप लेने के बाद में कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये सारे जो है दे रखे हैं। अभी जो देखिए थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, जोमेटो है और भी बहुत सारे, ब्लिंकिट है, ये सब पे जो है आपको जो 5x जो है रिवॉर्ड पॉइंट जो है वन कार्ड की ओर से देखने को मिल जाता है। ये सारे बहुत सारे ऑप्शन थे, जो बहुत सारे ऑप्शन है मैंने देखे नहीं, थोड़ा बहुत बिग बास्केट है जैसे। अभी ये देखिए जो हम मेरे पास मैसेज आया था, कॉन्ग्रेस यू मेडल कार्ड, तो इस लिंक पे आप क्लिक, जो इस लिंक पे आप जब भी क्लिक करोगे तो आपको जो है प्ले स्टोर पे वन कार्ड का जो है ऐप जो डाउनलोड करना है वहाँ जो है ले जाएंगे। वो आपको सिंपली डाउनलोड करना है, वो ऐप जो है खोलना है, उसके बाद में थोड़ा स्किप करके और आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई किया था वहाँ डाला था वो का वो यहाँ पे डालना है, जो वहाँ पे आप वन कार्ड का ऐप है वहाँ पे डालेंगे तो वही ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी जब भी आप बाद में आप डालेंगे तो बाद में एड्रेस वेड्रेस डालना पड़ेगा, थोड़ा मदर नेम और मैरिड है अनमैरिड ऐसा कुछ, थोड़ा पर्सनल डाटा जो है वो इसमें आपको डालना पड़ेगा, फर्स्ट नाम है लास्ट नाम है ऐसा सब कुछ डालने के बाद में जो है ऐप जो है आपका जो है ओपन हो जाएगा। देखिए अभी जो है ओपन हो जाएगा। वन कार्ड करंटली अवेलेबल इन ओनली 54 सिटी, ये जो है देखिए सिटी दे रखी है इनमें जो है, ये जो है अवेलेबल है ओनली 54 सिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो है ये अवेलेबल है। इसमें जो ये जो सिटियाँ हैं अगर इनमें अगर आप रहते हैं तो आपको ये वन कार्ड जो है आसानी से मिल जाएगा, वरना जो है बाकी जो अभी जो सिटी है बाकी जो है टाउन है वहाँ पे जो है ये जो है सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सारा जो है प्रोसेस करने के बाद में एप्लीकेशन में ही सीधा जो है गेट कार्ड का जो है ऑप्शन आता है, मतलब आपको जो फिजिकली अगर कार्ड चाहिए आपका जो है क्रेडिट की लिमिट जो अप्रूव हो गया है, और आपको जो है वर्चुअल कार्ड तो आपको ऐप में ही दिख जाएगा। अगर आपको फिजिकल कार्ड भी चाहिए तो मेटल का है तो आपको जो है एप्लीकेशन में गेट लिंक जो है या गेट कार्ड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। वो थोड़ा लोकेशन चेक करके जो है आपका एड्रेस कंफर्म करके सीधा जो है आपके एड्रेस पे जो है वन कार्ड जो है सीधा सेंड कर देगा, और जो है लगभग 2 से 3 दिन में जो है मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड आ गया था। मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार का जो है कोई इंटरफेस रहेगा वन कार्ड का, फेडरल बैंक ने मुझे जो है प्रोवाइड किया है, 2 दिन में शायद मेरे पास ये आ गया था, 2 दिन में मेरे को जो है प्राप्त हो गया था। ये देखिए मैनेज बाय वन कार्ड और इशू बाय फेडरल बैंक। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो है मैंने जो है वन कार्ड जो है अप्लाई किया। अपन जो है ये जो है वन कार्ड का जो है किट बॉक्स आता है क्रेडिट कार्ड का, इसको जो है अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका भी वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वो वीडियो मिस ना करें। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा है तो जो है ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर लीजिए, और आप जो है इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी जो है आप जो 1 सब्सक्राइबर करते हैं तो मुझे जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का और भी नए नए वीडियो बनाने का। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।